इसी प्रकार भारद्वाज मुनि, इसी प्रकार कर्णशाखंड ऋषि स्वयं आज के दिन कहते हैं कि आज का एक दिन क्यों श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा के अधिपराशक्ति से महासरस्वती महाकाली और महालक्ष्मी बाहर आए, और महासरस्वती जब बाहर आई तो महासरस्वती ने कहा कि मेरा कार्य क्या है, लक्ष्मी तो धन की देवी है, उसको धन देता है काली को शक्ति के रूप में, तो मेरा कार्य क्या है। तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हें तो सरस्वती विद्या प्रदान करना है, विद्या देने का तुम्हें कार्य सौंपता हूँ, बोले मुझे कुछ नहीं आता तो मैं विद्या क्या करूँ। तब कहते हैं कि भगवान हयग्रीव विष्णु भगवान ने अपना अवतार लिया और सरस्वती को सरस्वती के गुरु बने, और पहला विद्या देने का कार्यक्रम सरस्वती को सरस्वती के गुरु का नाम हयग्रीव कहा जाता है। हयग्रीव महर्षि ने पहले सरस्वती माता को ये विद्या प्रदान की, और वह मंत्र अयंकार था। अयंकार मंत्र अगर आप देवी भागवत में पढ़ते हैं तो एक राजा को कुछ आता ही नहीं था, कहते हैं कि उसने जंगल में उसको मंत्र बोलने नहीं आता तो ए बोल के गया, और उसको बीजाक्षर भी नहीं गया। देवी भागवत में पढ़ते हैं तो उस राजा को वो ए का मंत्र एम के बारे में हुआ और वह श्रेष्ठ राजा बना, ऐसा कहते हैं। आज वसंत पंचमी का प्रादुर्भाव दिन है, माता सरस्वती का जन्मदिन है, और जन्मदिन के दिन माता को अगर हम स्तुति करते हुए पाठ करते हुए अगर उससे पूछते हैं मुझे धन विद्या यश कीर्ति सम्मान सभी प्रदान करो, तो आज के दिन अपने गुरु से वह विद्या लेनी चाहिए, वो मंत्र लेना चाहिए जो विशेषकर बड़े लोगों के लिए, बड़े स्त्रियों के लिए जो गृहस्थ है, वो नील सरस्वती का मंत्र लें और उस सरस्वती का स्तोत्र का पाठ गुरु के सामने एक बार भी करते हैं आज वसंत पंचमी के दिन, तो वो श्रेष्ठ कहलाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आज एक विशेष बात कहता हूँ, महर्षि मतंग मुनि थे, मतंग मुनि वो बहुत ही तपस्वी थे, उनके वचनों में उनकी सिद्धि थी, वे भी सरस्वती की साधना संपन्न किए थे, तो उनको उनकी कृपा से अयोनिज बाहर से एक छोटी सी बालिका प्रसन्न हुई, छोटी सी बालिका आई प्रसन्न होकर उनके आंगन में खेलने लगी, तो देखकर उन्होंने कहा कि तू कौन है बेटी, तो उन्होंने कहा तूने तो बुलाया मैं ही हूँ। वो बताते नहीं थे, बाद में पता चला कि उसका नाम नहीं बोल सके, उसने छोटी सी बालिका थी, तो उन्होंने उसका नाम तुझे आज से मातंगी कहता हूँ, तो मतंग कन्या के नाम से पहचानी जाएगी, और मतंगी उसका नाम दिया। उसका भी प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ, तो उस मातंगी ने कहा मुझे मातंगी तो बुलाया है लेकिन एक बात कहती हूँ, वो कभी इधर उधर भाग के जाती थी, जाकर कोई फल खा के आती थी, और वो उच्चिष्ट फल जो रहता है झूठा फल वो ऋषि के मुँह में थोक देती थी। ऋषि कहते थे अरे झूठा झूठा खिला रहे थे क्या अक्कल है तेरे को, मेरे को झूठा खिला रही है, वो जोर से हंस देती थी, इसे झूठा कहते हैं क्या तू जानता नहीं, आज अगर झूठा नहीं खाया तो तेरे वचन सिद्ध नहीं होंगे, तब उन्होंने समझ लिया। और आज मातंगी माता को भी उच्चिष्ट चांदारिणी कहा जाता है, अगर माता मातंगी को अगर हम मातंगी से उन्होंने वो फल ऋषि उस दिन से खाने लगे, और यही फल इसके बाद में उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, मातंग कन्या की सेवा शुश्रूषा करने के लिए उन्होंने किसी एक स्त्री को ढूंढना शुरू कर दिया, तो रास्ते में एक जंगली औरत मिली, और संगली औरत को उन्होंने कहा कि तू इस कन्या का देखभाल कर ले क्योंकि मैं शरीर छोड़ के जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं उतनी दूर से आया हूँ तपस्या तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही आ जाऊँगा। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा कि तुझे ऐसा आने नहीं देता, तुझे इस कन्या का देखभाल करना है। तो वह देखने लगी तो उसने कहा कि तू कौन है, तू यहाँ शबर के आश्रम से आई है इसलिए तेरा नाम शबरी रखता हूँ, और उन्हें मातंगी का देखभाल किया। जब मतंगी मतंग महर्षि जा रहे थे तो उन्होंने मातंगी कन्या को उनके हाथ में ले लेते हुए कहा कि तू इसकी देखभाल करना है, तो उन्होंने कहा इसकी देखभाल कितने दिन तक करूँ, बोले मैं जाते ही ये 5 दिन में यहाँ से अदृश्य हो जाएगा, लेकिन तुझे यहीं रहना है। बोले क्यों, इस आश्रम में त्रेता युग में रामचंद्र जी आने वाले हैं, तब तक तुझे, बोले त्रेता युग कब आएगा, उसने कहा त्रेता युग लाखों वर्षों के बाद आएगा, बोले मैं जिंदा कैसे रहूँ। तो उन्होंने उस दिन उस उच्चिष्ट को मातंगी से कहकर कहा कि ये उच्चिष्ट फल है तो ये आज खा ले, आज से तू जो ये विद्या है, ये विद्या जिस किसी को भी देगी वो श्रेष्ठ कहलाया जाएगा, और राम तेरे पास एक दिन आएंगे ही आएंगे। उस मातंगी ने शबरी माता को उच्चिष्ट फल खिलाया और मातंगी लाखों वर्ष जीती रही, और उनके आश्रम में वो रोज देती, रोज फूल पर उसकी रोज फल तोड़ के लाती कि आज राम आएंगे। ऐसा बीतते बीतते लाखों वर्ष हो गए, त्रेता युग में जब रामचंद्र जी जहाँ और लक्ष्मी जा रहे थे तो रामचंद्र जी कहा ठहर मुझे यहाँ कोई बुला रहा है, दूर बैठ भैया इतने जंगल में तुम्हें कौन बुलाता है, तुझे नहीं मालूम, मतंगी कन्या
मातंगी का वास, मदन महर्षि का वास है यहाँ, यहाँ से कोई बुला रहा है मुझे जाना है। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों मिलकर वहाँ गए तो देखते क्या एक बूढ़ी पूरे रास्ते में फूल डाली है और उसने बोले हे राम कितने साल लगा दिए मेरे मेरे गुरु मदन महर्षि कहते कि तू आएगा और मैं तेरा इंतजार करती रही, आज तू मेरे घर आया, आजा आजा मैं तुझे लेकर जाऊँगा। लक्ष्मण देखने लगा कि ये बूढ़ी औरत इनका, बोले तू कब से इंतजार कर रहे हैं, बोले एक युग तो चला गया ये दूसरा युग है। लक्ष्मण को हंसी आई, बोले ये लोग ऐसे होते हैं और भैया इनको विश्वास करते हैं, क्या कहें इनको, भैया को कुछ पता ही नहीं चलता। तो जैसा ही गए शबरी ने कहा प्रभु तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे पाद पूजा करना चाहती हूँ, तुम कुछ खा लो। रामचंद्र जी की पूजा की और वो वहाँ जो फल था बेर का जो भी है फल छूटा करके और रामचंद्र जी को देती कि तुम्हें फल खा लो। रामचंद्र जी आनंद के साथ फल खाने लगे। लक्ष्मण को आया गुस्सा, भैया वो झूठा फल ले रही है। तो उसने कहा कि हे लक्ष्मण तू आज इस झूठे फल की विद्वत्ता नहीं समझता, तेरे राम आज तक तुम आ रहे थे, ये बता दे क्या तेरे राम को ज्ञान था कि इस संसार में सोने का हिरण ढूंढता है, इस घर में इस गाँव में कहीं सोने का हिरण देखा है, नाम सुना है? बोले नहीं सुना। तो तेरे राम को इसका ज्ञान नहीं था, भविष्य का ज्ञान नहीं था, आज मैं ये उचिष्ट देते हुए तुझे ये आज देती हूँ, आज से राम को आने वाले कल का पता चलेगा, कल तक उसको भविष्य का ज्ञान नहीं था, मैं आज देती हूँ ये उचिष्ट खाने के बाद। लक्ष्मण को लगा सही बात है, रामचंद्र जी उतने महान होकर भी उनको क्या हिरण सुने का नहीं होता है, पता नहीं था, और हिरण के पीछे भागते चले गए सीता के कहने पर, और आज ये इतना बड़ा उपद्रव हुआ। कहते हैं कि शबरी के उस उचिष्ट फल से रामचंद्र जी के खाने के बाद रामचंद्र जी को भविष्य का ज्ञान हुआ, ये आज के दिन ही हुआ था, आज बसंत पंचमी के दिन ने रामचंद्र जी ने वो झूठे फल सभी को। तो कहते हैं कि अपने गुरु का आज उचिष्ट फल लेकर अगर जो कोई भी साधक करता है तो उसको भविष्य का ज्ञान भी होता है, या ओम ह्रीम क्लीम हूँ मातंगे फट स्वाहा, ये जब जो भी किए हैं, जो लोग जल्दी जाने वाले हैं उनको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे आश्रम के लोग और बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में जिन्होंने मातंगी महाविद्या का मंत्र किया है वो लोग हाथ उठाए, मातंगी महाविद्या मंत्र जिन्होंने किया है। मैं उन सभी को शाम में 4 बजे छोटा सा हवन करवाऊंगा और मैंने जैसा कहा है आपकी इच्छा पूर्ण करने की बात करूंगा, मातंगी महाविद्या के बारे में मैं शाम में छोटा सा हवन करवाऊंगा। अभी रही बात वो लोगों की, जैसा मैंने कहा है कि नील सरस्वती यंत्र, नील सरस्वती मंत्र का आज तुम्हें यंत्र और मैं माला और साधना देता हूँ। उस साधना को जो व्यक्ति आज संपन्न करता है बसंत पंचमी के दिन और अपने गुरु से उस शहद के मंत्र को ले लेता है, वो सर्व प्रकार की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो आज अब इसके बाद आपको ये कहता हूँ, जो विद्वत पुरुष है जो सब कुछ जानते हैं कि हमें ईश कीर्ति आदि प्राप्त हो, तो मैंने उस मातंगी और नील सरस्वती माता का यंत्र तैयार किया है, उसके साथ साथ माला भी तैयार किए, उस यंत्र के ऊपर मैं एक मंत्र दिया, उसके ऊपर शहद डालते हुए उस यंत्र के शहद को जो चाट लेता है आज बसंत पंचमी के दिन, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, धन की, यश की, कीर्ति की, सम्मान की और कीर्ति की भी। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं वो नील सरस्वती का यंत्र और माला लेकर आ जाएं, उसका मंत्र और विधान पूजा में करवाता हूँ और उनके साथ उसके ऊपर शहद रखकर जो मंत्र बोलना चाहते हैं वो मंत्र बोलता हूँ, उसके साथ साथ हो सके तो गुरु जी को पूछता हूँ कि क्या बेर का उचिष्ट आपको देना है या नहीं देना है, बाद में मैं सोच के बोलता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी लोग नील सरस्वती मंत्र लेकर आ जाएं। इससे पहले मैं वो चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बालक है अक्षराभ्यास करना चाहते हैं वो पार्टी कलम लेकर यहाँ मेरे पास आ जाए, छोटे बच्चे जिनका अक्षराभ्यास करना है वो लोग केवल कापी वाले नहीं, जिनका अक्षराभ्यास पहले हो रहा है वो लोग पार्टी कलम लेकर मेरे पास आ जाए।